बंदर और डॉल। एक दिन सोनी नामक एक बंदर बहुत भूखता और भोजन की तलाश में भटक रहा था। कुछ समय बाद वह उस जंगल से भटक गया जिसमें वह रहता था और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। इस रेगिस्तान में किसी ने एक डॉल के पीछे छोड़ दिया था जो एक पेड़ के पास पड़ा था। जैसे ही तेज हवा चली, पेड़ की शाखाएं डॉल के खिलाफ रगड़ गयी। इसने एक अजीब शोर मचा दिया। जब बंदर ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत भयभीत हो गया और उसने भागने की सोची। अगर मैं यह सब करने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पहले यह से भाग नहीं सकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जैसा कि वह भागने वाला था, उसने एक दूसरा विचार किया। बिना जाने किसी चीज से भागना नस्मजी है। इसके बजाय मुझे ईश्वर के स्रोत का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बंदर ने सावधानी से आगे बढ़ने के लिए साहस किया। जब उन्होंने डॉल को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल हवा थी जो सभी शोर पैदा कर रही थी। बंदर बहुत खुश था। उसने डॉल पर हराया और नाच किया। उन्होंने भोजन के लिए अपनी खोज जारी रखी और डॉल के पास उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिला। बुद्धिमान वास्तव में कहते हैं, जीवन में केवल बहादुर ही सफल होते हैं। मदद करना ही धर्म है। पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। समय बीतता गया और राजा बूढ़े होते गए, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद इस राज्य और प्रजा को कौन संभालेगा। मेरे जाने के बाद इस राज्य का क्या होगा? आखिर मेरा कोई उत्तराधिकारी भी तो नहीं, कोई संतान नहीं। क्या होगा इस प्रजा का? ये बात मुझे हर दिन बस खाए जा रही है। राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपने गुरु को बताई। इस समस्या का एक ही समाधान है, आपको किसी सुपात्र को अपना पुत्र बना लेना चाहिए। गुरु की ये राय राजा को समझ आ गई। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, यही करना पड़ेगा शायद। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा की चिंता और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिल रहा था अपने राज्य अपनी प्रजा को उनके बाद संभालने वाला। राजा का मानना था कि उनका उत्तराधिकारी वही होगा जो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने सुख का भी त्याग कर सके। एक दिन राजा घोड़े पर सवारी करते हुए मंदिर जा रहे थे। बाहर एक भिखारी बैठा था। उसके सामने एक पत्तल पर कुछ रोटियां रखी थी। उस रोटी को खाने ही वाला था कि एक बूढ़ा वहाँ आ गया और उससे खाना मांगने लगा। भगवान के नाम पे मुझे दे दो बेटा, चार दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। भिखारी ने उस बूढ़े व्यक्ति की हालत को देखा और उसे तरस आ गया। उसने अपनी पत्तल उठाकर पूरा का पूरा खाना उसे दे दिया। राजा ये सब देख रहे थे। उन्हें भिखारी को अपने महल में बुलाया और उसे ऊंचे आसन पर बैठने के लिए कहा, लेकिन भिखारी आसन पर ना बैठकर नीचे बैठ गया। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, अपना पूरा राज्य तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भिखारी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, राजा जी, मैं आपका राज्य संभालने के लायक नहीं हूँ। मैं राजपाट लेकर क्या करूँगा? त्याग ही असली धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। राजा ने उसे फिर समझाने की कोशिश करी, पर मेरी बात मानो, तुम इस राज्य के लिए एकदम योग्य उत्तराधिकारी हो। तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो और उसके लिए अपने सुख का त्याग भी कर सकते हो, यही एक राजा का सबसे बड़ा गुण है। भिखारी के मना करने के बाद भी राजा ने अपना पूरा राज्य उस भिखारी को सौंप दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथों किसी का भला हो सकता है और मैं ये राज्य अच्छी तरह संभाल सकता हूँ, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भिखारी ने उस राज्य को संभाला भी
और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल भी रखा। वो एक बहुत कामयाब और सबका चहीता राजा बना। वो हमेशा दूसरों के दुखों में उनकी मदद करता और उनको सुखी रखने की पूरी कोशिश करता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि जो व्यक्ति अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुखों को महत्व देता है, वही सबसे ऊंचा इंसान होता है। दूसरों की मदद कर